दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा कि अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे। लेकिन आज की कहानी बिल्कुल अलग है। अंधा नाई और अंधा जवाई बहुत ही मज़ेदार और हास्यास्पद होने वाली है, इसलिए कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत पहले की बात है कि एक गाँव में एक पटेल रहता था। उसके एक ही बेटा था। उसने अपने बेटे की शादी बचपन में ही कर दी थी, जैसे पहले ज़माने में होता था। अब बेटा बड़ा हो गया था तो उसके ससुराल से उसके ससुर ने पटेल को पत्र लिखा, बियाई जी नमस्कार, हम अपनी बेटी का गौना करना चाहते हैं, इसलिए आप जमाई जी को भेज दीजिए। पटेल को पत्र मिला तो पटेल बहुत खुश हुआ, लेकिन साथ ही साथ वह चिंतित भी हो गया, क्योंकि उसके बेटे को रतौंधी रोग था, अर्थात शाम के बाद जैसे ही अंधेरा होता तो उसे कुछ न दिखाई देता, सब कुछ उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर था। पटेल ने सोचा कि इसको अगर अकेले में भेज दी तो रिश्ता तो टिकने वाला नहीं है, ससुराल वाले तो बिना बेटी के ही उसे वापस भेज देंगे। इसलिए उसने युक्ति सोची। उसने सोचा कि उन गांव के नाई को इसके साथ भेज दिया जाए, वह सारी बात संभाल लेगा और बहु खुशी खुशी घर आ जाएगी। उसने गाँव के नाई को बुलाया, जिसका नाम था रघु। रघु नाई को बुलाकर उसने कहा, देखो मेरे बेटे को कल ससुराल जाना है, बहू का गौना है, मैं तुम्हें साथ भेज रहा हूँ। बेटे बहू को खुशी खुशी विदा करके घर ले आने की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। उस जमाने में यात्रा के साधन तो ज़्यादा होते नहीं थे, बैलगाड़ियाँ होती थी, इसलिए नाई ने भी सोचा चलो चल आएंगे, शहर कर आएंगे, जी भर के घूम ही लेंगे। इसलिए नाई ने भी फुर्ती से हाँ भर ली, आगा पीछा कुछ भी नहीं सोचा। दूसरे दिन सुबह पटेल का बेटा और नाई दोनों बैलगाड़ी लेकर अपने ससुराल के लिए रवाना हुए। चलते चलते उन्हें दोपहर हो गई और ससुराल का गांव पास ही आ गया। रास्ते में चलते चलते नाई ने कहा, देख बेटा, यह जो खेत देख रहा है यह तेरे ससुराल वालों का ही है, यहाँ से लेकर देख वहाँ तक। नाई ने कहा कि अब हमें थोड़ी देर यहाँ आराम कर लेना चाहिए, थोड़ी देर सुस्ता लें, बैलों को चारा पानी कर दें, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। लड़के ने हाँ कर दी। दोनों वही गाड़ी रोककर पेड़ की छाया में बैठ गए और बैलों को भी खोल दिया। बैल खेत में चरने लग गए। जब दोनों वहाँ बैठे सुस्ताने लगे तो उन्हें थके मादे होने की वजह से नींद आ गई। बहुत देर बीते, जब नाई की आँख खुली तो उसने देखा, अरे ये तो शाम हो गई है, अब थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है। उसने जल्दी से लड़के को जगाया, अरे बेटा जल्दी उठ, शाम होने वाली है, तेरे ससुराल पहुंचना है, जल्दी से अपने बैलों को लेकर आ जा और गाड़ी में जोत दे। लड़का उठकर बैलों को इधर उधर देखने लगा, लेकिन शाम इतनी गहरी हो गई थी कि जल्दी से रात का अंधेरा छा गया, और अब अंधेरा छाते ही लड़के के लिए तो सब काला सब बराबर हो गया, ना उसको बैल दिखा, ना खेत दिखा, ना नाई, कुछ भी ना दिखा। वह चारों तरफ घूम घाम के नाई को आवाज़ लगाने लगा और आवाज़ के सहारे नाई के पास पहुंचकर कहने लगा, काका मुझे तो ना बैल दिख रहे हैं ना खेत दिख रहे हैं। नाई आश्चर्य में पड़ गया, बोला ऐसा क्यों? उसने कहा, मुझे शाम होने के बाद जैसे ही रात का अंधेरा होता है कुछ दिखाई देना ही बंद हो जाता है, मुझे यह बीमारी बचपन से ही है। नाई बौचक्का रह गया। उसने कहा, अगर ऐसा था तो मुझे पहले बताना चाहिए था, मुझे भी यही बीमारी है। अब दोनों ने एक दूसरे की बात सुनकर माथा पकड़कर बैठ गए कि अब क्या करें। थोड़ी देर बैठे रहे, उसके बाद नाई के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा, अब कुछ और तो कर नहीं सकते, चल अपनी अपनी पगड़ी उतारते हैं और बैल इसी खेत में होंगे, मैं पगड़ी का एक सिरा पकड़ता हूँ और तू दूसरा सिरा पकड़ और खेत में घूमा, जहाँ कहीं भी बैल होंगे इसमें अटक ही जाएंगे। लड़के ने वैसा ही किया जैसा नाई ने कहा था। एक सिरा नाई पकड़कर बैठ गया और दूसरा सिरा लेकर लड़का पूरे खेत में चक्कर लगाने लगा। चलते चलते पगड़ी का एक सिरा एक पेड़ में अटक गया। लड़के को लगा कि यही बैल है। वह जल्दी से बोला, काका बैल मिल गए। नाई ने कहा, मिल गए, चल जल्दी से पकड़ ला। वह पगड़ी के सहारे सहारे जब वहां तक पहुंचा और उसको पकड़ा तो वह एक पेड़ था। उसने पेड़ को पकड़ कर कहा, काका काका बैल मिल गए। नाई को भी वहीं बुला लिया। नाई जब वहां पहुंचा तो एक कटीला पेड़ था और जैसे ही नाई के हाथ में कांटे चुभे उसने लड़के से कहा, अरे मूर्ख,
यह तूने तो पेड़ पकड़ लिया है, बैल कहाँ है? दोनों फिर उलझन में पड़ गए। तभी उधर से लड़के के ससुराल वाले अपने खेतों को संभालने के लिए आ रहे थे। जब उन्होंने देखा कि उनके खेत में कुछ लोग हैं तो जोर से चिल्लाते हुए उनकी तरफ दौड़े। अरे कौन हो तुम और हमारे खेतों में क्या कर रहे हो? नाई ने यह आवाज़ पहचान ली क्योंकि वो पहले भी उस गांव में आ चुका था। उसने कहा, अजी अजी भी आई जी, महाराज आप हैं? देखिए ना, हम तो घर की तरफ ही आ रहे थे, लेकिन ये आपका जवाई है ना? नहीं माना तो उन्होंने देखा कि यह तो उन्हीं के सगे संबंधी हैं। तो उसने पहले राम राम किया, उसके बाद कहा, कहिए क्या हो? नाई ने कहा, देखिए ना, आपके जवाई को मैं कह रहा हूँ, यह खेत 2 बीघा है, लेकिन यह अड़ा हुआ है कि नहीं, यह 2.5 बीघा है। अब आप ही बताइए कि यह मेरी बात तो मान नहीं रहा। लड़के के साले संबंधियों ने कहा, अजी ना तो यह 2 बीघा है ना तो 2.5 बीघा, हमारे खेत तो बस 1.5 बीघा हैं, लेकिन आप लोग इतनी रात गए खेतों में, कितनी देर तक यहाँ क्या कर रहे हैं? खाने का वक्त हो गया है, जल्दी चलिए। नाई ने कहा, चलिए चलते हैं, अब तो हम भी थक गए हैं, आ जा भाई बैठ जा। और दोनों बैलगाड़ी में बैठ गए और अपने संबंधियों से कहा, अब आप ही हमारी बैलों को गाड़ी में जोत दीजिए। इस तरह एक बार तो वो अपनी बीमारी का दिखावा करने से बच गए और जैसे तैसे करके लड़के के ससुराल पहुंचे। वहां पहुंचते ही दोनों का स्वागत हुआ, चाय पानी हुआ, उसके बाद दोनों को खाना खाने के लिए बिठा दिया गया। पहले के ज़माने में औरतें घूंघट वगैरह करके ही जमाई को खाना परोसती थी। जब वो दोनों बैठ गए तो दोनों के लिए 2 थालियां लग गईं, दोनों को खाना परोस दिया गया। थोड़ी देर बाद लड़के ने जैसे ही खाना खाने के लिए हाथ थाली में डाला, उसकी थाली में सिर्फ सब्जी और खीर थी, पूड़ी और रोटी कुछ भी नहीं थी। उसने धीरे से नाई के कान में कहा, काका यह क्या, यहाँ पर सिर्फ सब्जी और खीर ही होती है, पूड़ी और रोटी कुछ भी नहीं। नाई ने कहा, नहीं बेटा, मुझे तो 2 रोटी मिली है, तुझे नहीं मिली? लड़के ने कहा, नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। नाई ने कहा, अच्छा मैं समझ गया, इनके यहाँ एक बिल्ली है, उसने मौका देखकर तेरी रोटी उठा ली होगी। कोई बात नहीं, अब की बार जब रोटी आए उसके बाद बिल्ली वापस आए तो उठा के ईक मारना, उसके बाद दोबारा नहीं आएगी। थोड़ी देर बाद जब सास ने देखा कि जमाई की थाली तो खाली है तो फटाफट से रोटी लेकर आई और बिना कुछ बोले उसने रोटी जमाई की थाली में रख दी। लेकिन रोटी रखते वक्त उनकी चूड़ियाँ कटोरी से टकरा गईं। जब टन की आवाज़ हुई तो लड़के ने सोचा कि बिल्ली आ गई, उसने उठाकर एक झापड़ सास को मार दिया। सास बिलखती हुई और भला बुरा कहते हुए जमाई पर बरस पड़ी। नाई ने कहा, अजी अजी बयान जी महाराज, आप ऐसे क्यों बरस रही हैं? सास ने कहा, किस लड़के को इतनी भी तमीज नहीं है कि सास के ही थप्पड़ मार दिया, कैसा लड़का है? नाई ने कहा कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती आपकी है। सास चौंक गई, मेरी गलती? लेकिन क्यों? उसने कहा, आपने इसे खाना खाने के लिए नेक नहीं दिया। हमारे यहाँ रिवाज है कि जब जमाई पहली बार ससुराल आता है तो खाना खाने से पहले उसे नेक देना पड़ता है। उसने 101 रुपये दे दिए। उसके बाद दोनों ने खाना खाया और दोनों सो गए। थोड़ी देर बाद लड़के को प्यास लगी, उसने नाई से कहा, काका मुझे प्यास लग रही है। नाई ने कहा, सो जा, अभी अपन दोनों को कुछ दिखता नहीं है, कहाँ से पानी लाएंगे? पानी तो पास ही में है, लेकिन थोड़ी देर रुक, किसी को आने दे, मैं मांग लूँगा। थोड़ी देर बाद उठकर वह खुद ही चल पड़ा पानी पीने के लिए। चलता हुआ घड़े के पास तो पहुँचा नहीं और उस कमरे में पहुँच गया जहाँ सास और बाकी सब बच्चे सो रहे थे, और जाते जाते सास के पैरों से टकरा गया। सास अचानक से उठ खड़ी हुई और उसने कहा, क्या हुआ जवाई जी, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लड़का यह सुनकर हड़बड़ा गया कि मैं कहाँ पहुँच गया। उधर शोर सुनकर नाई उठ खड़ा हुआ और जल्दी से शोर की तरफ वाले कमरे में आ गया और बात संभालते हुए कहा, देखिए ना, आपके जमाई को इतनी रात को जीत कर बैठा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे तो अपनी सास से अभी माफ़ी मांगनी है और यह आपसे माफ़ी मांगने के लिए चला आया। और इसी के साथ सास ने कहा, अरे जाइए जाइए, मैंने आपको माफ़ कर दिया, ऐसा भी कुछ ना हुआ था। नाई लड़के को बात संभाल कर वहाँ से वापस ले आया और उसे जैसे तैसे पानी पिलाकर सुला दिया। थोड़ी देर बाद नाई को पेशाब लगा। नाई ने लड़के से कहा, देख बेटा मुझे पेशाब लगा है, अब हम दिन वाला ही उपाय वापस करेंगे, अपनी अपनी पगड़ी के गांठ बांध लेते हैं, मैं उसे पकड़कर पेशाब करके वापस आ जाऊंगा, तुम मुझे खींच लेना।
लड़के ने कहा ठीक है। उन्होंने पगड़ी में गांठ बांधी और नाई पेशाब कर लिया तो लड़के ने धीरे धीरे पगड़ी को खींच लिया। उसके सहारे नाई वापस आ गया, दोनों सो गए। कुछ देर बाद उस लड़के को भी पेशाब लगा। उसने नाई को जगाया, काका मुझे भी पेशाब करने जाना है। नाई ने कहा ठीक है, पहले वाला उपाय ही अपनाते हैं। दोनों ने अपनी अपनी पगड़ी से गांठ मारी, लेकिन इस बार गांठ ढीली लग गई। लड़का उस पगड़ी को लेकर चलता ही गया। चलते चलते अचानक वह कहीं अटक गया और वह गांठ तो खुल गई। नाई ने जैसे धीरे धीरे पगड़ी को खींचा तो पगड़ी पूरी वापस आ गई, पर लड़का ना आया। वह सोच में पड़ गया कि लड़का तो कहीं ना कहीं गुम गया है, लेकिन अब किससे कहे, किसी से कह भी नहीं सकते। अब वह सोचते सोचते बैठा था, उधर लड़का चलते चलते उनके गाय भैंसों के बाड़े में पहुंच गया और उसको देखते ही गाय भैंसे जोर जोर से रंभाने लगी। गाय भैंसों का शोर सुनकर घर वाले सब उठ खड़े हुए और वह भी गायों के बाड़े में पहुंच गए। सबका शोर सुनकर उधर नाई भी धीरे धीरे शोर की तरफ पहुंच आया। अब सब लोग लड़के से पूछने लगे, क्या हुआ जमाई राजा, आप इतनी रात गए बाड़े में क्या कर रहे हैं? नाई ने फटाफट बात संभालते हुए कहा, देखिए ना, यह आपका जमाई तो बड़ा जिद्दी है। उन्होंने पूछा, क्यों, अब क्या हुआ? नाई ने कहा, यह कहता है कि इसके ससुर के पास बैलों की 4 जोड़ी है, जबकि मैं कहता हूँ कि नहीं, इनके पास 3 ही जोड़ी है, अब आप ही बताइए। तो उन लोगों ने कहा, जमाई जी, न तो हमारे पास 4 जोड़ी है न ही 3 जोड़ी है, हमारे तो बैलों की सिर्फ 2 ही जोड़ी है। इस तरह कर कर आके नाई लड़के को वापस पलंग पर ले आया और दोनों सो गए। सुबह हुई, दोनों बिल्कुल ठीक हो गए। वहां से खाए पिए और बहू को खुशी खुशी विदा करा के घर ले आए। दोस्तों, अब आपको भी यकीन हो गया होगा कि एक अंधा अंधे को रास्ता दिखा सकता है और दोनों मंजिल तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, किस्सा तो यही समाप्त होता है। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।